राधे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जन्माष्टमी का ब्लॉग बन रहा है मेरा कंटिन्यू, हम लोग सामान मंगाए जा रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑर्डर सब क्लोज हो चुके हैं, सिर्फ पार्सल रिसीव होना बाकी है। तो मैं आ गई हूँ अहमदाबाद इन दोनों को लेके। तो ये पार्सल मैंने अहमदाबाद ही मंगा लिया था, तो ये एक दिन पहले ही आ गया था। तो हम ओपन करके देखते हैं कि क्या क्या आया है, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे कटआउट से ही मंगाए थे ऑलमोस्ट सारे के सारे। ये ना देख लेते हैं सब ठीक ठाक है कि नहीं, क्योंकि मैंने इस बार थोड़ा सा अलग प्लान किया है। हर साल तो हम नॉर्मली रखते हैं, पर्दा वर्दा लगा के ही कर देते हैं। इस साल मुझे ऐसा था कि हम पूरी झांकी बनाते हैं ना, मतलब कृष्ण लीला जो होती है भगवान की, उस तरीके की लीला के हिसाब से मेरा मन है करने का। तो उसी हिसाब से हमने सब चीज़ें मंगवाई हैं। इसके पहले वाला तो आप लोगों ने देखा ही था कि हमने क्या क्या मंगाया था। इसके अलावा भी मैंने और दो तीन चीज़ें मंगवाई हैं, लेकिन ये हमने कहीं और से मंगवाई है। ये पूरा कटआउट है, मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ क्या क्या है। ये देखो ये जेल में से जब लेके जा रहे थे तब का है, और सबके स्टैंड इस तरीके से हैं रखने के लिए ऐसे। ये ज़्यादा अच्छा है देखो, है ना, ये हवा की वजह से ऐसे। और एक ये देखो माखन चोर लीला खा रहे हैं सब, वो वाला। ये सब स्टैंड दिया हुआ है, हमको स्टैंड के ऊपर ही रखना है। मुझे ये वाला ज़्यादा बेटर लगा लगाने के लिए। ये हो गया एक स्टैंड में रखने के लिए। सब सारी लीलाएं ऐसी हैं, ये आपको बता देती हूँ मैं। ये गोवर्धन लीला देखो, छोटे फ्रेम में ही हमने मंगाया है, ज़्यादा बड़े बड़े फ्रेम नहीं मंगाए हैं। ये इसकी उधर रख देते हैं। और ये मोर, ये हमने दो मंगाए हैं। और एक सबसे अच्छी चीज़ दिखाते हैं, ये देखो है ना मस्त है ना, ये वाले भी अच्छे हैं। और एक ये है, ये वाला, ये देखो क्वालिटी बहुत सुंदर है। बस सबको स्टैंड में लगाना रहेगा, इस तरीके के स्टैंड दिए हैं, मैंने आपको बताया था वो लगा के बताया वैसा है। और ये देखो ये पूरी गांव की झांकी, रेल वाला जो लेके जाते हैं वो, ये गोपी और ये दूसरा मोर का। और एक सुंदर जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है वो ये, ये देखो है ना सुंदर देखो पूरा जो है ना इसी तरह। और ये मेरा भाई, ये छोटा वाला, और ये ये मेरा छोटा वाला भाई, ये बड़ा वाला भाई। मम्मी देखो ना है ना, दोनों सेम नहीं लग रहे, ये छोटू और ये और दीदी कहाँ है? दीदी नहीं है, दीदी क्यों बंदर बनेंगे, दीदी तो सोना था। तो ये एक हमारा हो गया है पार्सल, अभी एक और आने वाला है। ये एक ही है, ये एक और पार्सल आएगा, तो वो जैसे आता है उसका अपडेट करती हूँ। ये ऑर्डर जो बुक करने का टाइम है वो चला गया है, क्लोज हो चुका है, क्योंकि जन्माष्टमी 7 को है, तो हमको कम से कम 1-1.5 महीने पहले ही जन्माष्टमी की बुकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अभी तो आप बुक नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आप इनसे ये सब चीज़ें मंगवाएं, तो मेरे साथ जन्माष्टमी के बाद आप मंगवा सकते हैं, तो कोई भी कभी भी काम आ सकता है। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि मैंने कहाँ से ऑर्डर किया है। अगर डिस्क्रिप्शन आपको ओपन करना नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे मैं आपको इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगी, तो आप उस लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करके उनसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। जय श्री राधे। ये देखिए इस तरीके से स्टैंड है, मतलब इस तरीके से हमको लगाना है डेकोरेशन के लिए। हमने पूरा प्रॉपर स्टैंड पर लगा दिया है, और बहुत लाइट वेटेड है, फिनिशिंग भी बहुत सुंदर है, लेकिन थोड़ा पंखे से बचाना पड़ेगा। और बहुत प्यारे प्यारे हैं, देखिए ये माखन चोर वाला बहुत सुंदर है, ये देखो ये पीछे वाला। अरे की ये पूरा पार्सल एक अभी आया है, इस तरीके से सुंदर है। और इनकी मम्मी भी इनके लिए कुछ लेके आई है, मैं बताती हूँ आपको क्या क्या लाई है। ये देखिए लगा के बैठ भी गए हैं, आज हमने इनको नॉर्मल कपड़े ही पहनाए हैं, क्योंकि अभी सब चीज़ों का ट्रायल होगा ना, जो भी कपड़े वपड़े आए हैं सब। ये हमारे छोटे बाबू का टियारा है, ये हमारे बड़े बाबू का है, ये राधा रानी भी पहन सकती हैं, और बाल राधा मतलब लड्डू गोपाल को भी पहना सकते हैं। और ये देखिए
मम्मी लेके आई है इनकी इनके लिए। इतने सुंदर सुंदर है देखो। और ये हमारे छोटे बाबू के लिए छोटा छोटा सा हार। और ये देखिए ये मोरपंख लेके आई है मम्मी, क्योंकि इनके पास नहीं था सुंदर वाला। इसमें सब पे प्राइस भी लिखी हुई है। जन्माष्टमी का टाइम है ना, तो थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा हो जाता है, बढ़ा देते हैं सब लोग। ये रहा, और एक बहुत सुंदर सा है ये। तो ये इनकी मम्मी इन दोनों के लिए लेके आई हैं। और ये गम लेके आई है, इसी से चिपकाते हैं हम लोग इयर रिंग्स वगैरह। मेरे पास वाइट कलर का है, मम्मी ये वाला लेके आई हैं, ये भी अच्छा होता है। तो ये इनके जन्माष्टमी की सब तैयारियां चल रही हैं, श्रृंगार की और सब चीज़ें। ये तो समझ लो कि मम्मी की तरफ से छठी है इन दोनों के लिए। अभी और भी गिफ्ट आएंगे, वैसे बताती रहूंगी। जय श्री राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राधे। तो जैसे आप लोगों को पता है कि जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है, और हमने खूब सारे पार्सल्स मंगाए हैं जन्माष्टमी डेकोरेशंस के लिए। और ये हमारा लास्ट पार्सल है जो कि आज हमको रिसीव हुआ है 2 तारीख को। तो मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ कि क्या मंगवाया है हमने। अरे बाप रे, तो बोरी में भेजा है। ये बड़ा वाला चप्पू चाहिए गाइस, जिसमें वो जीन्स पैंट पहनते। मम्मी लाओ ना, सॉरी मम्मी, कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा बोली जाएगा प्लीज। ऐसा मत बोल, सुबह सुबह आग मत लगा, मेरा भाई सच में बिल्कुल काम का नहीं है। गाइस ये वही लड़का है जो गेम खेलता रहता है पूरे दिन, मेरा मोबाइल भी ले लेता है कभी कभी, लेकिन बहुत काम का लड़का है, ऐसा नहीं है। अरे दीदी का मुंह से बड़ा चश्मा, बहुत बहुत मदद कर देता है मेरा। दीदी से मुझे बड़ा कहती हो कैसे? और मारूं क्या? झाड़ू पोता करना है दीदी फिर आपको? झाड़ू पोछा करना है मुझे। हाँ ठीक है, देखो ना यार कैसे बोल रहे थे, मैं कर दूंगी झाड़ू पोछा, काम तो करती हूँ। शाम को थोड़ी पराठे बनाए आज मैंने, यहाँ से ऐसे काटूंगी। देखो बोलो, ये भी सिखाना पड़ रहा है लोगों को। क्या बाबू यही कर रहे हैं? ये क्या है बाबू को क्यों लाते हैं बीच में? बोले एक पैकेट नहीं खोला जा रहा है इनसे, बोल रही हूँ ना मम्मी। देखो देखो देखो, एक बोरा से चीज नहीं निकाली जा रही इनसे। देखो क्या साबित करना चाहता है लोगों के सामने, कैसे खोलते हैं? देखो कैसे खोलते हैं, कैंची दी है, कैंची यूज नहीं करनी है। देखो लो, अभी तक खुला नहीं जा पा रहे इनसे। कोई उम्मीद नहीं है मुझे। क्या है कि इनसे कल तक खुल जाएगा तो ठीक है, खुल जाएगा। Be right back tomorrow, guys. क्या है guys, 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 we are back tomorrow. तो मेरा भाई है क्या, बिज़नेस कर रहा है सबके सामने ऐसे भाई। चलो मम्मी सोते हैं, हम लोग आ जाएंगे तब तक तो हो जाएगा। अरे खुल गया यार, वो देखो 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 देखो, खुला नहीं जा रहा है इनसे। खुल गया ना, बाबू पीछे से हंस रहे हैं। बाबू तो बाबू कभी नहीं हंसते मेरे पास। कितने अच्छे से पैक किया है वो नहीं दिख रहा तेरे को? खोलने वाले को खोलना नहीं आ रहा ये तो बोलो। हां तो खोलने वाले को क्या खोलना नहीं आ रहा, खोल रही हूं ना मैं अपने हिसाब से। कितने अच्छे से पैकिंग की है, रखना पड़ता है हर चीज का, ऐसा थोड़ा तुम्हारी तरह लापरवाह। जिसको हाथों से खोल सकते उसको कैंची से खोला जा रहा है, जो कैंची से खोला जाता है वो हाथों से। चल रहा है पापा, बोला तो था आपको, क्या बोलना मत पूछो। ये देखो रेडी, ऐसे की इससे पहले हमारे पास एक फूल बंगला था जो हमारी माताश्री ने तोड़ दिया था। ये माताश्री ने उनके आशीर्वाद से फूल बंगला टूट गया, जो हमारे लाला ने इसके 4-5 बार यूज किया था। खाना भी तुम कहना क्या चाहती हो? कहना कुछ नहीं चाहती, गलती है सबसे। ये भी ये बोलो ना। हाँ हाँ, बस अभी झाड़ू पोता भी करना है। मस्त है ना, मुझे लगा बस इतना ही है क्या? और ये है, ये
ये इनकी माखन चोर लीला और ये इनके जन्म का और ये छोटे वाले हैं ये वाले और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिस वन माय फेवरेट। बाबू तुम ये सब काम करते हो ऐसा ऐसा करते हो सर? हाँ सुंदर सुंदर ऐसा डेकोरेट करो। और कल हम लेके आए थे लोकल मार्केट से। हाँ गिर गए फिर से। मत गिरो। और ये भी लेके आए थे बहुत सुंदर सी। इसी से मारते हैं ना आपको कभी कभार? बांसुरी से नहीं मारते माँ। बड़े बाबू की भी मिल गई थी उनको। और ये हमने देखो राधे वाला छोटा। अरे इतना बड़ा? उनके हक के हिसाब से ठीक है ना बेटा, ज्यादा बड़ा नहीं देते हैं। ये तो हमने लोकल मार्केट से दिया था। और ये कंगन, कंगन ये फुल साइज का है, हमने इसमें तीन कलर दिए थे। और मैं पहन सकता हूँ? तुम कहाँ पहनोगे, कहाँ पहनोगे? और ये दो माला, ये तो पहन सकता हूँ हाथों में। हाँ है ना सुंदर। बस जन्माष्टमी में सबसे ज्यादा शॉपिंग होती है बस इतना ही। चलो ये सब साफ करो। चलो इतने इतना सब पर्स इतना थोड़ा था दिया दिया। ये सब साफ करो। चलो साफ तो मेरे को ही करना है, मुझे पता है। कल मैंने झाड़ू भी मारा था। अब पोता भी मारने अभी। चलो हाँ पोता मारना। पैसा दे देना 50 रुपये। मम्मी आपकी जिम्मेदारी है। 50 रुपये झाड़ू को 50 रुपये पहुँचा। 200 रुपये एक हफ्ता। झाड़ू पोता एक हफ्ता का झाड़ू पोता वो उठा हुआ वाला वो उठा हुआ बस। चलो टाटा राधे 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 राधे।